हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के स्टॉक के डिस्कशन का मुद्दा। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। न्यूज आर्टिकल जो भी है सारा कुछ कवर करेंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे, स्टॉक की ब्रीफिंग देंगे, बाय होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कम्युनिटी फोरम का गाइडलाइंस देंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने एक वीडियो जस्ट इसके पहले डाली थी, अभी आप जाके देख सकते हो। यही एक दुर्भाग्य है इस पूरे इंडिया की कि नॉलेजेबल वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, सबको बस स्टॉक रिकमेंडेशन दे दो, बस उनका काम हो गया, एक स्टॉक से सारी जिंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे डाली, आप जाके देख सकते हो, जिसका थंबनेल है 500 से भी कम में टॉप 50 कंपनियां कैसे खरीदे। टॉप 50 मतलब टॉप 100 के बाद जो 50 कंपनियां आती है, मतलब टॉप 100 में से जो 50 नेक्स्ट 50 जो कंपनियां है उनको कैसे खरीदे, उनका सारे का मजा कैसे ले, निफ्टी से भी ज्यादा उनका रिटर्न है, आप जाके देख सकते हो। तो उस सब के लिए आपको वीडियो पे जाना होगा, पूरा वॉच किए बिना मत छोड़ना, नहीं तो मत जाना, ठीक है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन आईसीआईसी जो भी प्रोडेंशियल लाइफ के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको एनएस की वेबसाइट पे लेकर आ चुका हूँ। कल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो, कल यानी प्रीवियस ट्रेडिंग डेज में आपको लगभग लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक 642.20 रुपए का लो लगा था, उसके पहले 648 पे लगभग ओपन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट्राडे ट्रेड लिया था, तो इंट्राडे भी अगर आप लोग चाहोगे इंट्राडे कौन कौन से स्टॉक में करें तो उसकी वीडियो भी मैं मॉर्निंग पे डेली डाल दिया करूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे के स्टॉक के डिस्कशन के बारे में। आगे अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक में एक बाइंग ऑर्डर छोटी सी क्वांटिटी का लगा हुआ है। उसके बाद बात करें ट्रेडिंग क्वांटिटी की, तो वॉल्यूम लगभग लगभग 44 लाख हुआ है, 9 लाख की डिलीवरी उठाई है, 22% का डिलीवरी। डिलीवरी डेटा उतना अच्छा नहीं है, पुअर है, बट वॉल्यूम इतना सपोर्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो भी हमारे यहाँ पे न्यूज आर्टिकल निकल गया है। तो पहला न्यूज आर्टिकल यहाँ पे निकल गया है एनसीपीआई, एनपीसीआई पता है आपको, जो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बिल पे बोर्ड ऑन बोर्ड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। यानी आप इन लोगों का थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का और इनका एक स्ट्रेटेजी का पार्टनरशिप समझ सकते हो। ये भी आप यहां से भी आप पेमेंट रिसीव ये करेंगे, तो इनका एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और जो कस्टमर को प्रॉब्लम फेस हो रही थी वहां पे ये एक रोज जो है रिजॉल्व एक सॉल्यूशन की तरह आता है। आपको पता है सब कोई पेमेंट के लिए बिल भारत बिल पे ही यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, अब इनका भी ये इनके साथ एक पार्टनरशिप हो गया, तो ये एक बड़ी फायदे की बात होगी रेवेन्यू के जनरेशन टर्म्स में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए भी बेस्ट है और भारत पे के लिए भी बढ़िया है। अब आते हैं दूसरे न्यूज आर्टिकल पे। दूसरा न्यूज आर्टिकल हमें देखना काफी बेहद जरूरी हो जाता है, ये एक थोड़ा सा मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। आईपीओ लेन टार्सन प्रोडक्ट मॉप्स अप रुपीज 305.96 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स अहेड ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग से पहले एंकर इन्वेस्टर्स से उठाया है जो टार्सन है 305.96 लगभग 306 करोड़ रुपए उठा लिए हैं एंकर इन्वेस्टर्स। अब एंकर इन्वेस्टर्स में किसका नाम है तो आप देख सकते हो, एक एक नाम आपको बता देना चाहूंगा। यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का, आदित्य बिरला एबीएसएल एएमसी का, उसके बाद निकॉन इंडिया लिमिटेड का, तो ये सारे स्टॉक है। अब ये न्यूज हमें क्यों कवर अप है, तो देखिए अब अगर किसी को यहाँ पे दो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, अगर टार्सन प्रोडक्ट का आईपीओ आपने अप्लाई किया तो वहां पे आपको एक सॉल्यूशन मिल गया कि कंपनी के क्वालिटी में नो डाउट बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी अप्लाई कर रही है एज एन एंकर इन्वेस्टर, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर अच्छी कंपनी में हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो मतलब कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काफी स्ट्रांग होगा आने वाले फ्यूचर में। अब आते हैं अगले न्यूज पे, अगला न्यूज भी इसी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे सीधे डायरेक्टली टॉप फंड हाउसेस इन्वेस्ट रुपीज 1380 करोड़ इन भारती टेलीकॉम बॉन्ड। भारती टेलीकॉम क्या कर रही थी, बॉन्ड ला रही है, बॉन्ड में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया है। भारती एयरटेल में कौन कौन से फंड हाउसेस सच है, कोटक महिंद्रा फंड हाउसेस, एचडीएफसी म्यूचुअल, एबीएसएल, एएमसी, निपोन इंडिया एंड आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे इन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट किया। अब इससे इनको क्या फायदा होगा, तो इनको भी फायदा होगा जैसे एयरटेल में के रिस्पांस में, क्योंकि देखिए जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर है वो डुओपोली में डिस्ट्रीब्यूट हो गया अभी करंट मार्केट सिचुएशन, पहले ट्राइपोली था अब डुओपोली में हो गया है।
ट्राइपोली में अब वोडाफोन आइडिया समझ लीजिए कि बाहर ही हो गए हैं। डुओपोली में एक है हमारा रिलायंस जियो और एक है हमारी एयरटेल, तो दोनों की मोनोपोली टाइप की बिजनेस चलती है, काफी अच्छा है यहाँ पे, इनको मुनाफा होने वाला है इसी वालों का। अब आते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक शार्प इस ऑल टाइम हाई के बाद एक पैटर्न यहाँ बन गया था, यहाँ पे एक हाई बनाने को टॉप बनाने के बाद, टॉप बनाने के बाद गिरावट, फिर एक थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर एक थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर एक थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बना के और कप शेप में बना के यहाँ से अब लग रहा है कि रिकवरी लेने के मोड में आया था, फिर ट्रैप किया गया बायर्स को और अब जो है सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। अब यहाँ से हमें एक अच्छा खासा हॉकी पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है हमें तेजी देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम काफी सपोर्टिव हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा और सपोर्टिव हो जाता है तो यहाँ पे 100% सिक्योरिटी आ जाती है। बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, करंट आरएसआई इंडेक्स की बात करें तो आरएसआई इंडेक्स आप देख सकते हो 60 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है आरएसआई इंडेक्स तो काफी स्ट्रॉन्ग जोन पे है। बात करेंगे उससे पहले आरएसआई इंडेक्स, यहाँ पे मेरी खरीदारी जो कहाँ पे मैंने अरे इसको उठाया था 425-24 के आसपास मैंने इसके मतलब जो लास्ट मेरी बैंक की वहां पे थी, अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ 27 के आरएसआई इंडेक्स ज्यादा। आप लोगों को इसीलिए बोलता हूँ आरएसआई इंडेक्स को देखा करो, आरएसआई इंडेक्स बेस्ट इंडिकेटर होता है। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस आपको R1 यहीं पे करेंटली यहीं सपोर्ट बन जाए तो अच्छी बात होगी। 672 भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली है स्टॉक को, तो 672 के ऊपर जब 15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग दे दे तो आपको बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड के लिए। बात करेंगे सेकंड पॉइंट यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है 723 का R2 और R3 की बात करें 806 निकल के आ रहा है। अब ये 672 के 672 से थोड़ा सा ऊपर है, 672-673 के आसपास के अगर 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे और तो ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बन जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ और की, तो कुछ और में मैं आपको वॉल्यूम के पहले एनालिसिस करूंगा, तो वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 15 लाख 16 लाख यही वॉल्यूम हो रहे थे, जबकि सीधे 3 लाख 4 लाख बढ़ के 19 लाख वॉल्यूम यहाँ पे हुआ और इस वाले कैंडल पे प्राइस चेंज उतनी नहीं हुई। 18 लाख वाला जो वॉल्यूम हुआ इसमें प्राइस चेंज हुआ है सडनली, तो यहाँ से हमें एक अच्छे खासे मोमेंटम की आशा बन सकती है। अब बात करें रिटर्न की, रिटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे 92% का रिटर्न 3 ईयर में, 1 ईयर में बात करें 56%, 3 ईयर टेल नेट की बात करें 34%, 3 मंथ की बात करें 0.45%, 1 मंथ की बात करें 1.65%, 1 वीक की बात करें 7.424% ये रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब बात करेंगे थोड़ा सा टारगेट वगैरह का, तो टारगेट अगर हम देखते हैं यस सिक्योरिटीज ने 836 का टारगेट दिया है। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल जी का, तो इन्होंने लगभग 700 के ऊपर का टारगेट दिया हुआ है। अब आ जाते हैं ऊपर, हम लोग कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। बात करें यहाँ कम्युनिटी फोरम में तो 100% बाइंग रेटिंग है और मेरे पोर्टफोलियो का ये हिस्सा इसलिए क्योंकि मुझे इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। लोगों को क्या है कि देखिए पी रेशियो, पी के मल्टीपल में अगर बात करें तो ये कभी कंपनी 100 के पी से नीचे आई ही नहीं है। बात करेंगे 75 से ऊपर ही इसकी पी थी जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो सोच सकते हैं आप कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियल है, लोग इतने मतलब पी के बाद भी इसको खरीदने के लिए अति आतुर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे, मैं आपको फिबोनाची के लेवल्स बता दे रहा हूँ। सपोर्ट की बात करेंगे, रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, तो सपोर्ट आपका पहला निकल के आ रहा है 616 का, 610 का और 601 रुपए का। बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज की, तो सिंपल में 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज में कवर करता हूँ, तो 653 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। बात कर लेंगे ईएमए की, तो ईएमए में भी 20 डेज आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई खास रेट चेंज हो नहीं रहा है, ये भी लगभग लगभग 653 के ही आसपास आ रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपने ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।